का तो डिस्कशन हमारा शुरू है, चर्चा शुरू है। अभी हम अगले हफ्ते में इकट्ठे बैठेंगे और वो हम सब सुलझा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेडलाइन सेट की गई है इसके लिए सुलझा नहीं, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। हम फरवरी के अगले हफ्ते में वो डिसीजन पूरा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक सवाल इम्पोर्टेंट ये भी कि जो पहले एक जिसको अफवाह बताया गया कि एनसीपी का कांग्रेस में विलीन होना, उसको लेकर ये भी चर्चा में आई कि एनसीपी ने एक काउंटर ऑफर दिया है कांग्रेस को कि अगर आपने मुख्यमंत्री का चेहरा सुप्रिया ताई को बनाया तो हम विलीन करने के लिए तैयार। ऐसी कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं है और ऐसा कोई उन्होंने भी बताया नहीं है। ये तो आपका चैनल में आ रहा है, वो चैनल से ही हम सुन रहे हैं। आखिरी चर्चा जो पहले बाकी जगह अलग होने के गुट को अलग होने के लिए कही जाती थी लेकिन बाद में वो सच होती थी, तो ऐसा तो नहीं इस बार भी आप नहीं, ऐसा ये, ये, ये बिल्कुल सच नहीं है। सर चंद्रकांत पिंजोड़े जो नामांकन की प्रक्रिया है नॉमिनेशन की वो चल रही है, इससे पहले कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी, कितने विधायक शामिल हुए, कितने विधायक? हमारे सभी विधायक जो है वो हमारे साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दो चार लोग नहीं थे तो किसी के घर में शादी है, किसी के अलग प्रॉब्लम है, किसी का कुछ बीमार है, थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम है, वो मेरी परमिशन लेके यहाँ नहीं थे। बाकी कोई प्रॉब्लम हमारे विधायकों में नहीं है। सीएलपी की मीटिंग ठीक से हुई और हमने नॉमिनेशन भी किया है। अब हमारा उम्मीदवार तो अगर हो सकता है कि अनपोज हो जाएगा, नहीं तो हमारी तैयारी भी है। जो दो दिन के शिविर है अभी, क्या उसको आप आत्मचिंतन शिविर मान रहे हैं, वहाँ पे आत्मचिंतन होगा पार्टी का? हाँ वो तो करना पड़ता है कि जो आज आज की स्थिति है, देश की स्थिति है, राज्य की स्थिति है, हमें जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए आगे जाना है, ये सब की तैयारी के लिए वो शिविर है, तो वो चिंतन भी बोले। विधायक एब्सेंट है मीटिंग में? नहीं नहीं, वो दो चार लोग नहीं थे तो उसका भी लेटर्स हमारे पास है। आमच्या याच्यामध्ये जी काही आहेत सर्व, ती सर्व आज एक तर तीन चार लोक नव्हते तर त्यांचे माझ्याजवळ पत्र आहेत आणि काही ना काही कारणानं ते थांबलेले, त्या माझी परवानगी घेऊन ते थांबलेले, त्यामुळे अडचण कोणतीच नाही। आमचे 44 उमेदवार 44 आमचे आमदार आमच्या बरोबर आहेत। काही जणांनी कारण दिले नाहीत असंही म्हटलं जातं, तीन जणांनी कारण दिले नाही? नाही नाही काही नाही, माझी परवानगी त्यांनी घेतली आणि त्यानंतर ते गैरहजर राहील। सगळे राज्यसभेची घडी तो जोडतो, मनोज जरांनी जी तब्येत सातत्यानं खालावत चाललेली आहे, सरकार त्यांच्या प्रसिद्धीकरण त्यांच्या विषयाकडे बघत नाही, गांभीर्याने तब्येत खालावते? नाही नाही, गांभीर्यानं सरकारने पाहिलंच पाहिजे नेमकं काय आश्वासन त्यांनी, मागणी काय केली सरकारनं, आश्वासन स्वतः जाऊन काय दिलं आणि त्याची पूर्तता होण्याच्या संदर्भातल्या जर अडचणी असतील तर त्या दूर केल्या पाहिजे, परंतु कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्यांची तब्येतीची काळजी ही घेतली पाहिजे। माझी तो विनंती आहे की त्यांनी सुद्धा स्वतः आणि त्यांचे सहकारी असतील त्यांनी सुद्धा जरंगेजींच्या तब्येतीची काळजी घ्यावी। सुप्रीम कोर्टाने आज इलेक्ट्रॉनिक वॉट संदर्भात निर्णय घेताना हे बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं, 2019 साली राहुल गांधींनी याबाबत स्पष्ट केलेलं होतं। ऐतिहासिक निर्णय तो आहे आणि तो गोपनीय पद्धतीनं बॉन्ड्स होत होते, एकाच पार्टीला बॉन्ड जात होते असं चित्र आपल्याला त्यामध्ये दिसतं आहे। एक ऐतिहासिक अशा प्रकारचा तो निर्णय आहे, हे आपल्या सगळ्यांनाच मान्य करावं लागेल। तर दोन दिवसाचं शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे उद्यापासून, काय सांगत आहे? लोणावळा इथे आमचं शिबिर आहे, दोन दिवसाचं शिबिर आहे, पदाधिकारी सर्व एकत्र त्यानिमित्तानं राज्यातले येणार आहेत।